हमारे पड़ोस में वादी कश्मीर के अंदर साल हा साल से खून की नदियां बह रही हैं। हमारा कश्मीर से रिश्ता ईमानी और कुरानी रिश्ता है और इस रिश्ते के लिहाज से हम पर फर्ज है कि हम अहले कश्मीर जो इस वक्त सिर्फ मुसलमान होने की वजह से भारतीय अफवाज के जुल्म व सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पे फर्ज है कि हम उनकी भरपूर मदद करें। कुरान मजीद फिक्र इस्लामी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पाकिस्तान पर जिहाद फर्ज है, ये फर्जियत जिहाद कश्मीर का फतवा भी तफसीली हमने लिखा है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि सिर्फ यकजहती कश्मीर मनाने से कुछ नहीं होगा। कई साल गुजर गए रैलियां निकालते हुए, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी मदद के साथ साथ, सियासी मदद के साथ साथ अमली मदद करे, और अमली मदद का एक ही तरीका है, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक 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 लब्बैक। कुरान मजीद बुरहान रशीद के हुक्म के मुताबिक कुफार को डराने का हुक्म है, और जिस अमल से कुफार के सीने जलें कुरान मजीद ने उसको अमले साले करार दिया है। हम चाहते हैं कि हम अमलन कश्मीर में जिहाद करें, और इसी सिलसिला में हमने ये फतवा मुरतब किया है। सबसे पहले हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो अफवाज पाकिस्तान को इस जिहाद का हुक्म दे, और फिर हमें अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना इस जिहाद में शरीक होने की इजाजत दे। हम गंजबख्श हजवेरी के शहर लाहौर में मोदी और उसके पूरे टोले को, भारत पर मुसल्लत हुक्मरान टोले को और कश्मीर पर जुल्म करने वाले भेड़ियों को ये बताना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। हमारे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आज उम्मत मुस्लिमा जो इजहार यकजहती के लिए घरों से बाहर निकले हैं, इस निकलने का भी यकीनन फायदा है कि इससे काफिर जल रहा है, मगर तकाजा इससे अगले काम का भी है, जिसको कुरान में हम पे फर्ज करार दिया गया। जैसे नमाज का एक वक्त है, रोजे का वक्त है, हज का वक्त है, जकात देना हौलाने हौल के बाद लाजिम होता है, ऐसे ही जिहाद का भी एक वक्त है। और अब जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है, आज ही नहीं कई सालों से, उसकी वजह से जिहाद का वक्त आया हुआ है और वो जिहाद कजा हो रहा है। इस वास्ते हम अपनी हुकूमत का जमीर झंझोड़ना चाहते हैं कि सिर्फ अक्वामे मुत्तहिदा में एक तकरीर कर देने से छुट्टी नहीं होगी। वहां श्रीनगर के लाल चौक में इस्लाम का झंडा लहराना पड़ेगा, और दिल्ली के लाल किले पर भी इस्लाम का झंडा लहराना होगा। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, इंडिया भी बनेगा, इंडिया भी बनेगा, इंडिया भी बनेगा। इस बुनियाद पे जो भी फिकी तौर पर
फर्जियत जिहाद की शरायत लिखी गई है वो सारी की सारी इस वक्त मौजूद है। हमें इस सिलसिला में अपने आप भी सोचना चाहिए कि नमाज कजा हो गई तो क्यामत के दिन रब पूछेगा, ऐसे ही जिहाद जो कजा हो रहा है उसके बारे में भी रब ने पूछना है। और हमारी हुकूमत चूंकि शरीयत के कानून के मुताबिक हुकूमत ने जिहाद का ऐलान करना होता है और हुकूमत की तरफ से जिहाद की सरपरस्ती की जाती है, हम जुदागाना अपनी तंजीमों या जत्थों के जरिए नहीं शरीयत के कानून के मुताबिक हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ऐलान जिहाद करे, अगर लब्बैक के नौजवान पीछे रह गए तो फिर एतराज करे। अल जिहाद अल जिहाद।